किया गया है। मैं अब परिचय देना चाहूंगा उनका जो हमारे साथ मौजूद है। सौभाग्य है हमारा, पत्रकारिता में अपने जीवन के 25 वर्षों का अनुभव देने के बाद वो शख्सियत आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही है। उन्होंने अपने हुनर और अनुभव को असम के लोगों के विकास के पत्रकारिता को एक नए शिखर में पहुंचाने के लिए भी काम किया है और काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए, बताएंगे जरूर। वो 25 सालों के अपने अनुभव में डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, नेशन न्यूज, जैन टीवी, लोकल टीवी, लाइव इंडिया, सीएनईबी के हेड भी थे नेपाल में, नेपाल वन में, इंग्लिश वेबसाइट न्यूज लिक्स डॉट इन के एडिटर इन चीफ भी थे, फिर संघा लोक स्वामी पेपर और मैगजीन निकालते हैं, उनके सीईओ भी रह चुके हैं, डेप्यूटी एडिटर हैं फिलहाल, इनपुट डेप्यूटी एडिटर सूर्य समाचार के। मैं स्वागत करता हूं जनाब आपका रुमान हाशमी जी का, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैं भी मैं अनुरोध करता हूं आपको। आप भी सोच रहे हैं कि तिनसुकिया शहर में ये क्या होने जा रहा है, मुश्किल है, समझ सकता हूं, यकीन करना असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है, पर सत्य को तो कोई डिगा नहीं सकता है जी। अब मैं परिचय देना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम तिथि के अतिथि के रूप में, तिनसुकिया जिला सांवादिक संस्था के सभापति और जाने माने पत्रकार, जिन्होंने अपने निरपेक्ष पत्रकारिता से असम के लोगों तक सटीक समाचार पहुंचाने का जिम्मेदारी बखूबी निभाया है। हमारे साथ एनी ब्यूरो चीफ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं जिला सामाजिक संस्था के सभापति सर ऋषिदास जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मंच पर मैं आपका आमंत्रित करता हूं महोदय। हमारे साथ मौजूद हमारे मेरी जो सहपाठी को एंकर रिंकू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम का अगला चरण पूरा करें। धन्यवाद। नमस्कार, अभी एक बार मंच पर उपस्थित होकर विशिष्ट अतिथि सकलो बंटी प्रज्वलन कारण अनुरोध जनाइछो। धन्यवाद।